आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। सहारनपुर में बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी अखिलेश सिंह व एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा द्वारा किसान आंदोलन के दृष्टिगत कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु देवबंद में घलोली चेक पोस्ट पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। बृहस्पतिवार को सहारनपुर में पात्रों को पेंशन योजना व निराश्रितों को राशन कार्ड बनवाए जाने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला महामंत्री संजय वालिया के नेतृत्व में पात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया, जिसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों के निस्तारण की मांग की। साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा गरीबों लोग के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन हमारे अधिकारी, हमारे ग्राम प्रधान पता नहीं किस व्यवस्था के वश, किस लालच के वश उन योजनाओं को उन लोगों तक देने का काम नहीं करते जो उसके पूर्णतः हकदार हैं। ऐसा ही उदाहरण कल मैं पिलखनी गाँव रामपुर मरियनार पहुँचा, वहाँ मुझे देखने को 3 परिवार मिले। एक परिवार तो ऐसा कि माता 70 साल दिखाई ना के बराबर देता है, पुत्र जिसे दिखाई नहीं देता। पहले इनकी पेंशन बंधी हुई थी, एक की विकलांग की और एक वृद्धा पेंशन, 1.5 साल से किसी कारण सेक्रेटरी ने काटने का काम कर दिया। उसके बाद एक परिवार में 3 बच्चे दिखाई दिए जो लावारिस हैं, गांव वालों के द्वारा उनका भरण पोषण होता है, उन पर कोई राशन कार्ड या कोई मकान या कुछ भी नहीं है। उसके बाद 2 बच्चे और दिखाई दिए उसी गाँव में, जिनका पाचन पोषण उनके दूर के चाचा करते हैं, वो भी नाबालिग और बहुत छोटे हैं। पिलखनी में कौन से गांव का मामला है? पिलखनी गांव रामपुर मनियारन में पड़ता है। इन लोगों को जितनी भी सरकार की योजनाएं आ रही हैं वो इन लोगों को दी जाए, अगर इन्हें नहीं दी जाती तो मैं नहीं मानता इन योजनाओं को दुनिया में किसी को लाभ मिलना चाहिए या मिलने के लायक हो। बृहस्पतिवार को सहारनपुर में फैमिली ऑफ ब्लड डोनर ट्रस्ट द्वारा थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए ब्लड वैन के माध्यम से जिला चिकित्सालय रक्त कोष के लिए पेपर मिल रोड ब्रजेश नगर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 20 यूनिट रक्तदान किया गया। इस दौरान कैंप में ब्लड मोटिवेटर कार्तिक वत्स, FBD के संस्थापक तरुण भोला सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ये क्या नाम है, हमारे सरकारी ब्लड बैंक के अंदर रक्त की कमी के कारण तो उनका एक आग्रह किया गया है फैमिली ऑफ ब्लड डोनर ट्रस्ट द्वारा कि छोटे छोटे रक्तदान शिविर लगाकर वहाँ रक्त की पूर्ति की जाए। ये रक्तदान शिविर थैलेसीमिया बच्चों को समर्पित रहेगा और उन्हीं के लिए हम लोग जगह जगह, गली गली, मोहल्लों में वैन के माध्यम से छोटे छोटे 20-22 यूनिट के रक्तदान शिविरों का आयोजन कर रहे हैं। आज का रक्तदान शिविर ब्रजेश नगर बड़े पुल के नीचे लगाया गया है। ये कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे हम लोगों ने स्टार्ट किया है और 2 बजे तक ये कार्यक्रम रक्तदान शिविर का चलेगा। अभी तक कितना रक्तदान हो चुका है? अभी तक 10 लोगों ने अपने रक्त का दान कर दिया है, 10-12 लोग और करेंगे, तो 20-22 यूनिट के लक्ष्य के साथ ही हम लोग छोटे छोटे रक्तदान शिविरों का आयोजन गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में वैन के माध्यम से कर रहे हैं। सहारनपुर के हकीकत नगर स्थित अखिल भारतीय जाट महासंघ के कार्यालय पर बृहस्पतिवार को मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नृपाल सिंह ने कहा है कि 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाने का काम करेंगे। इस विषय में बैठक थी आज, इस विषय पर बैठक थी कि 23 दिसंबर को हमारे किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पूरे देश में मनाई जाएगी, उत्तर प्रदेश में मनाई जाएगी, तो हम लोग भी किस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाएं, इस अवसर पर हम लोग जो है उनका सद्भावना दिवस के रूप में, किसान दिवस के रूप में चौधरी साहब की जयंती को सहारनपुर में मनाया जाएगा। और इस दिन जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है
और किसान बड़ा अपनी मांगों को लेकर उग्र हो रखा है, तो इस दिन एक रणनीति बनाई जाएगी कि किसानों को किस तरीके से हम लोग भी अपना पूरा, जैसे हमने अपना संगठन का भी समर्थन दिया है और हम किसानों के मुद्दे पर हम किसान भाइयों के साथ हैं हर तरीके से, क्योंकि किसानों के नेता थे चौधरी चरण सिंह जी और हम चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हैं। उनकी जयंती मनाने के लिए आज ये बैठक बुलाई गई है कि किस रणनीति के तहत, किस कार्यक्रम के तहत उनकी जयंती को मनाया जाए। और चौधरी विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर आवाज इंडिया फाउंडेशन के तत्वधान में अधिकार एवं कर्तव्य के विषय पर सर सैयद इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान शेखुल हदीस दारुल उलूम वक्फ देवबंद के मौलाना सैयद अहमद खिजर शाह मसूदी ने कहा कि सभी धर्मों के लोगों का मिल बैठना समाज के लिए हितकारी है और धार्मिक उन्माद तथा हिंसा का सभी धर्म विरोध करते हैं। इस दौरान कार्यक्रम में पास्टर सुनील सन्नी, राजेश जैन, मौलवी फरीद, सरदार दलजीत सिंह कोचर व कार्यक्रम का संचालन शाहिद जुबैरी द्वारा किया गया। कि क्यों ना सहारनपुर से ये तहरीक उठे इस जमीन से, और अकलियतें जितनी हैं वो आपस में हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपस के अंदर तय हो, मुआशिया तालीम और इसी तरीके पर दूसरे इश्यूज जो इस मुल्क में अकलियतों को हैं उनके ऊपर आपस में गुफ्तगू हो, बहस हो, एक दूसरे के तजर्बात से फायदे उठाए जाए, एक दूसरे के सामने राहें और रास्ते खुले और आगे तरक्की करने की राहें मुतय्यन हो, किया जा सकता है और करना चाहिए। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि देवबंद से जो कुछ मुझे हासिल है, जितनी कुछ कुवत हमारे पास है, वो आपके पीछे झोंकने के लिए हम तैयार हैं। सहारनपुर में शुक्रवार को होने वाले सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं के तीनों गुट ने आज दीवानी कचहरी में अपना जमकर प्रचार प्रसार किया और अपने अपने पैनलों के वोट की सपोर्ट की अपील की। सहारनपुर में बृहस्पतिवार को प्रवास संस्था द्वारा अंबाला रोड मलिन बस्तियों में एक मुफ्त एनीमिया जांच कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि वरिष्ठ क्षय रोग लैब पर्यवेक्षक एमपी सिंह चावला द्वारा किया गया, जिसके बाद कैंप में मुफ्त एनीमिया की जांच की गई। आज का जो कैंप है वो एमपी चावला सर जो हैं उनकी हेल्प से लगा है और परम बत्रा जी ने हमारी बहुत हेल्प करी है। आज में हम आयरन का चेकअप करा रहे हैं। वी रियली थैंकफुल टू देम कि उन्होंने हमारी हेल्प करी। सपोर्ट से हम आज करीब 40 या 50 लेडीज़ का ये ब्लड टेस्ट होगा और फिर जिनमें जो कमियाँ होंगी उनको उसी हिसाब से सप्लीमेंट्स हम लोग प्रोवाइड करें। सहारनपुर के मातागढ़ स्थित MRF सेंटर में मंदिरों के पुजारियों के साथ नगर निगम द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिरों से निकलने वाली पूजा सामग्री कूड़ा घरों या नदी नालों में फेंके न जाएं और उसका सही उपयोग हो सके, इसलिए नगर निगम अगरबत्ती बनाने का एक प्लांट लगाएगा, जिसमें मंदिरों पर भगवान पर चढ़ाए जाने वाले पुष्प, बेलपत्र आदि से अगरबत्ती बनाई जाएगी। यह जानकारी बैठक को संबोधित करते हुए नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह द्वारा दी गई। रोहित जी आए हुए हैं, मंदिर के पुजारी आए हुए हैं, जो उनके संरक्षक आए हुए हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप एक शुरुआत करें तो निश्चित सहारनपुर नंबर वन पर आएगा। मैं आईटीसी का, आईटीसी की सुनहरागढ़ टीम का, सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस मुहिम में हमारा साथ दे रहे हैं और सहारनपुर को नंबर वन बनाने का पूरा उनका ये पुरजोर कोशिश है कि सहारनपुर नंबर वन बने और ये कार्यक्रम कराया, उसके लिए बहुत। सहारनपुर की थाना सरसावा पुलिस ने एक अभियुक्त मुस्तकीम पुत्र असगर
निवासी ग्राम जबीरन को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने चोरी किया गया माल, एक पिकअप गाड़ी, एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस ने कार्रवाई कर अभियुक्त को जेल भेज दिया है। सहारनपुर की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल सहारनपुर न्यूज व सहारनपुर तक को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।